ये देखिए अबू, ये यहाँ पे जो है ना, ये शहद का जो है वो ट्रेनिंग चल रही है। तो ये हनी बी की ये लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे, हनी बी शहद निकालेंगे। ये सब बी बॉक्सेस हैं। ये सब बी बॉक्सेस हैं। ये भी देखिए, ये 100 के करीब है। मैंने भी कुछ ऐसे ही पहना हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। ये जब अपने सीजन के अंदर है ना, ये डब्बा एटीएम बन जाता है। ये यहाँ से जो है ना, ये जो हनी बी बॉक्सेस है, इसको एग्रीकल्चर की टर्मोलॉजी में जो है ना, वो उसको कहते हैं बी कीपिंग। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये अंदर ब्रीडिंग करती हैं, और यहाँ से उठ के जो है ना, ये जितने भी यहाँ पे आपको फसलें नज़र आ रही हैं, क्रॉप्स नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से नेक्टर लेती हैं। नेक्टर लेने के बाद यहाँ से जो है ना, तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो है ना, ये फासला अबूर कर जाती है। और यहाँ पे मौसम्बी के जो झाड़ होते हैं, वहाँ से जो फ्लावर्स होते हैं, वहाँ से पोलन लेके तो वो इस जगह जो है ना आ जाती हैं डब्बे के अंदर। और यहाँ पे इनका एक्सेस के लिए एग्जैक्ट बनाया हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ना इकट्ठा होती हैं। और इनके अंदर 3 किस्में होती है। ड्रोन्स होते हैं, कोइन होती है एक, और इसके अलावा जो है ना, ये अंदर लार्वाज होते हैं। तो ये उनके लिए नेक्टर लेती हैं, फिर बाद में तकरीबन 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जो है वो इससे जो है ना, वो शहद हासिल होता है। नहीं कि एक एक डब्बा जो है ना, वो एटीएम है।